भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा रामपाल सिंह जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर, भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का जागरूकता सम्मेलन खतौली मेरठ रोड स्थित एक फार्म में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता में संचालन वरिष्ठ नेता सुमित प्रजापति ने किया। महासम्मेलन की मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति रहे। कार्यक्रम में अति पिछड़ा वर्ग को जागरूक वे एकजुट करने पर जोर दिया। सम्मेलन में संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने देश में समय अति पिछड़ा वर्ग समाज सो रहा है जो अपने अधिकारों से बेखबर है। हमारा अति पिछड़ा वर्ग समाज दबंग लोगों में राजनीतिक पार्टियों के नाच नाच कर वोट देते हैं और सत्ता तक पहुंचाते हैं और फिर अपने लिए कुछ मांगे फिर 5 साल के लिए सो जाते हैं। हक अधिकार की बात भी मजबूती से ऐसे पार्टियों के सामने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि जिन दबंग लोगों को हम अपने वोट देकर लोकसभा विधानसभा भेजते हैं उनके समाज के लोगों का मनोबल बढ़ता है, फिर यही लोग गाँव देहातों में हमारे लोगों का शोषण करते हैं। एक सभा का आयोजन किया गया, किस तरह की सभा? आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे द्वारा एक खतौली क्षेत्र में, खतौली के राम सिंह फार्म हाउस में, मेरठ रोड स्थित राम सिंह फार्म हाउस में अति पिछड़ा वर्ग जागरूकता सम्मेलन महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के समाज के हित में और हक में वे अधिकार में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए किस तरीके से अपने लोगों को तैयार किया जाए, किस तरीके से अपने लोगों को जागरूक किया जाए, वे एकजुट किया जाए, इसको लेकर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। और आज का जो सम्मेलन है इसमें यही चर्चा हो रही है कि हमारा जो समाज है ये एक सोया हुआ समाज है जो दबंग लोगों को वे अन्य पार्टियों को नाच नाच कर वोटिंग करने का काम करते हैं और उनको सत्ता में पहुँचाने का काम करता है। ऐसे लोगों को अब उनकी औकात दिखाने का काम समय आ गया है, ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाने का समय आ गया है जो जीतने के बाद अति पिछड़े वर्ग को भूनने का काम करते हैं, हमारी वोटों से सरकार बना लेते हैं और फिर अति पिछड़े वर्ग को ना तो राजनीतिक भागीदारी दी जाती है और ना उनको हक अधिकार दिया जाता है। ऐसे लोगों का अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाकर अपना एक राजनीतिक मंच सामाजिक स्तर पर खड़ा किया जाए जिससे अपने लोगों को जागरूक कर, और यही अति पिछड़े वर्ग के लोगों से अपील की जाती है कि वह हर चुनाव में, चाहे वो जिला पंचायत या पंचायत का कोई भी चुनाव हो, छोटा बड़ा विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, सिर्फ अपने लोगों को सपोर्ट करने का काम करें, अपने लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का काम करें और अपने लोगों को जागरूक कर एकजुट करने का काम करें। 3 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, कोई हल नहीं निकल पा रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहेगा? देखिए, सरकार की हठधर्मी है, हमारे किसान भाई बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं हमारे सैकड़ों किसान भाई, इसको लेकर जो सरकार हठधर्मिता दिखा रही है, सरकार का पतन होना निश्चित है। सरकार को ये जो काले कानून किसान के लिए बनाए गए थे वे अति पिछड़ा वर्ग वे गरीब लोगों के लिए किसान हित में बहुत ही गलत कानून है, उनसे बहुत नुकसान होने वाला है, जो गरीब तबका है किसान लोग हैं उनको इस कानून से बहुत नुकसान होने वाला है, ये तीनों कानून। आपका नाम? सुमित प्रजापति, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा, युवा सागर, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। एक मीटिंग का आयोजन किया गया, किस तरह की मीटिंग? आज जो मीटिंग की गई है वो भारतीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की बैनर तले खतौली में राम सिंह फार्म हाउस में मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रजापति महासभा युवा शाखा ने पूर्ण समर्थन, हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं जतिन प्रजापति, उनकी समस्त टीम ने भारतीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा को समर्थन किया है और आगे अति पिछड़े वर्ग की लड़ाई कंधे से कंधे मिलाने का आश्वासन दिया।